बासुकी नाथ। जरमुंडी प्रखंड में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चरघरा से खरबिल्ला तक निर्माणाधीन सड़क वर्षों से अब तक पूरी नहीं हो पाई है। रघुवर सरकार के समय शुरू हुई सड़क हेमंत सरकार के कालकाल तक पहुंच गई, लेकिन सड़क निर्माण आज भी अधूरा है। कार एजेंसी के सड़क निर्माण का तरीका क्या है, ये इसके कार्य को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जिस कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों की माने तो 10 वर्षों से अधिक समय से यह सड़क बन रही है और हैरानी की बात तो यह है कि सड़क निर्माण अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इस सड़क को पूर्ण करने के लिए कुछ माह पूर्व कार्य फिर से शुरू किया गया, मगर निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग करने के कारण सड़क उखड़ने लगा है। साथ ही खरबिल्ला स्थित जोरिया के ऊपर बना पुल भी पानी में बह गया। वहीं इस बारे में प्रखंड प्रमुख ने बताया कि इस सड़क निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है। इस बारे में कई बार जिला प्रशासन को सूचना दी गई, मगर बावजूद इसके 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक सड़क निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। बासुकीनाथ से सुतिब्रो की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ये चरघरा से बोगली तक एक रोड गया है और ये रोड करीबन 10 साल पहले पास हुई थी और ये रोड यही 2 महीना पहले से इसका कार्य चालू है। ये रोड का स्थिति आप देख सकते हैं कि क्या रोड का है, ना इसमें जेसीबी रोलर चलाया गया, ना इसमें कुछ काम हुआ गया, सिर्फ मिट्टी देके मेटल देके इसमें डायरेक्ट पिच कर दिया गया है। अब पिच का भी स्थिति है जो कि हम यही 2 दिन पहले इससे गुजर रहे थे, तो 2 दिन पहले इससे गुजर रहे थे तो देखे कि बीच रोड में ट्रैक्टर रोड धंस गया है और ट्रैक्टर पलटी के कगार पे था, तो मैंने देखा कि अगल बगल तो काफी रोड धंसा हुआ है और आप देख सकते हैं रोड का स्थिति। हाँ, क्या बोलेंगे? और देख सकते हैं कि जैसी सरकार वैसा रोड, ना हम लोग का विधायक जो हम लोग का जो विधायक है जो क्षेत्रीय विधायक मंत्री जी बने हैं ना उनका कोई ध्यान है और ना हम लोग का मुख्यमंत्री जो सरकार झारखंड सरकार का कोई ध्यान है, जैसे वो लोग जैसे चलता है वैसे ही रोड में चल पानी हो जाए। और अगर सरकार इस रोड के बारे में अगर जांच करे मैं तो कहता हूँ कि इस रोड के बारे में जांच करे कि इस रोड का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्या नाम है? नीलेश यादव, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। मेरा सड़क का स्थिति तो यही आपके सामने है, करीबन 12-13 साल से बन रहा है लेकिन अभी तक पूरा तो हुआ नहीं है। और 3 महीना पहले खरबिल्ला मटियल भेंडा टोला तक करीबन 1 किलोमीटर फिंच किया है जिसमें अभी उखड़ गया है। और भेंडा टोला से लेकर चरघरा तक केवल मेटल बिछाया गया है, अभी तक काम अधूरा है। इसके बाद केराजोरी में एगो पुलिया बना था जिसमें 15 दिन के बाद ही वो धस गया और सारा ग्रामीण मिल के हम लोग उन लोगों को दबाव दे के उसको फिर से हम लोग दूसरा से बनाने के लिए उन लोग जेसीबी से उखाड़ दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई उसमें काम शुरू नहीं हुआ है जैसे का तैसे है। कब अड़ रहा है? बिल्कुल कुछ नहीं है, जितना इसमें मटेरियल देना चाहिए वो एकदम बिल्कुल उतना देता ही नहीं है। और रही बात जो मेटल बिछाया गया है, फर्स्ट मेटल जहाँ तक हमको जानकारी है उसमें 3 इंच देना चाहिए और इस लोग ऐसा किया है कि एक एक मेटल बिछा के चल गया है, ना उसमें रोलर चला ना कुछ, खाली एक एक मेटल बिछाया गया है। तो रोलर तो दिख रहा है मैडम, रोलर तो दिख रहा है मैडम आपको, दिख रहा है उसमें डीजल टैंकी है ही नहीं, एक बड़ा जार में डीजल भर के वो रोलर चला रहा है, वैसे रोलर चला जाता है कोई इस रोड में। इतना हम लोग आवाज उठाए न्यूज के माध्यम से, हम जिला प्रशासन को सूचना दिए लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग का काम है कि जहाँ गलत हो रहा है वहाँ जिला प्रशासन को सूचना देना चाहिए। सूचना तो हम लोग कई बार दे चुके हैं लेकिन रोड जैसे का तैसे है, अभी तक वही है, अभी तक कोई ना 12-13 साल से बन रहा है अभी तक कोई कंप्लीट नहीं हुआ है। नाम? मैं पिंकी सोरेन, प्रखंड प्रमुख, जरमुंडी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।